सो फ्रेंड्स, अब कैश बजट की हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पढ़ें, कंसीडर द बैंक बैलेंस शीट ऑफ माया लिमिटेड एट दिसंबर 31st। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ लार्ज ऑर्डर एंड एंटीसिपेट्स द नीड टू गो टू इट्स बैंक टू इंक्रीज इट्स बोरोइंग। एज अ रिजल्ट इट हैज़ टू फोरकास्ट इट कैश रिक्वायरमेंट फॉर जनवरी फरवरी मार्च की कैश रिक्वायरमेंट की फोरकास्ट करनी है। ठीक है, टिपिकली द कंपनी कलेक्ट 20% ऑफ द सेल इन द मंथ ऑफ सेल एंड 70% इन द सब्सिक्वेंट मंथ, 10% इन द सेकेंड मंथ। ओके, ये हमारी बैलेंस शीट है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आर मेड इन द मंथ प्रायर टू सेल, जिस महीने में सेल होनी है उसके पहले महीने में खरीद लेते हैं। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ 60% ऑफ सेल इन द सब्सिक्वेंट मंथ। क्या बात है, चलिए। पेमेंट फॉर दिस परचेज अकर इन द मंथ आफ्टर द परचेज। लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम आर एक्सपेक्टेड टू बी दिस दिस दिस। सेलिंग एंड टैक्सेस आर दिस फॉर जनवरी थ्रू मार्च। एक्चुअल सेल इन जनवरी, नवंबर, दिसंबर एंड प्रोजेक्टेड सेल आर एज फॉलोज। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडिशनल बैंक बोरोइंग नेसेसरी टू मेंटेन अ कैश बैलेंस ऑफ रुपीज, हाउ मच, 50,000 एट ऑल टाइम। प्रिपेयर अ प्रोफार्मा बैलेंस शीट। चलिए, तो बैलेंस शीट तो बन जाएगी, वो तो बाद की बात है, पहले कुछ कैश बजट की बात कर ली जाए। चलिए, कैश बजट है फॉर जनवरी टू मार्च। ठीक है जी, यहां पर लिखेंगे हम रिसीप्ट और यहां लिखेंगे हम पेमेंट। ठीक है जी, रिसीट्स एंड पेमेंट। इसके बाद तो ये आ जाएगा हमारा नेट चेंज इन कैश। ऐड करेंगे हम ओपनिंग कैश बैलेंस। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। कलेक्शन फ्रॉम सेल, यह है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, सो 10 कितना, 20% इन सेम मंथ, यही बोला है ना। फिर लिखा 70% इन नेक्स्ट मंथ, 10% इन सेकेंड मंथ। चलिए, अब नवंबर की सेल कितनी है, 500, 600, 600, 1000। तो 500 का 20% होगा 100, 600 का 20% 120,
600 का 20% 120, 200, 130, 150. अब 500 का जो 70% है वो होगा यहाँ पर 350, और 500 का जो 10% है वो होगा यहाँ पे 600 का 70% यहाँ पे, और 600 का 10% यहाँ पे, 600 का 70% यहाँ पे और 10% यहाँ पे, 1000 का 70% यहाँ पे और 10, दस परसेंट यहाँ पे, 650 का 70%, इसका ये 20 है तो 650 का 70%, 455 यहाँ पे और फिर 65 यहाँ पर। अब हमको चाहिए सिर्फ इतना, तो इसमें देखिए कितना कलेक्शन आया है, 540, 590, 620, 680, 890, ठीक है। सो रिसीप्ट आ गई हमारी सेल से 590, 680, 890, ठीक है। चलिए अब हम परचेजेस की बात करते हैं। Purchase of raw material are made in the month prior to sale and amounts to 60% of the sale. And amounts to 60% of the sale in the following month. Okay. चलिए अब इसको भी समझ लें। सेल कितनी थी, 500, 600, 600, 1000, 650 और 750, ठीक है। अब क्या है, परचेज की बात करते हैं। हम परचेज करते हैं 60%, तो इसका 60% ऑफ द सेल यानी कि परचेज हम करेंगे ये 360, 600, 650, 390 एंड 420, ठीक है जी। ये परचेज हुई, और पेमेंट कब हुई इसकी, इसके अगले महीने, यानी कि 360, 600, 390, 420, समझ गए। ये हमारी परचेज हुई पेमेंट की, तो पेमेंट फॉर परचेज 360, 600, 390, मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ें। लेबर कॉस्ट 150, 2 एंड 160, ये क्वेश्चन में दे रखी है। सो लेबर कॉस्ट 150, 200 एंड 160, आगे बढ़ें। और जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस वो हैं 1 लाख रुपीज, अदर एक्सपेंसेस ये हमारे 1 लाख रुपीज हैं, सही है। चलिए तो अब एक बार देखें आपका रिसीट्स कितनी हो रही हैं, 590 की,
पेमेंट हो रही है 610 की, तो नेट चेंज आया 20 का। यहाँ पे रिसीट्स हो रही हैं 680 की, पेमेंट हो रही है कितने की 900 की। ओहो हो, तो इसमें चेंज आ गया है 220 का। रिसीट्स हैं 890 की और पेमेंट है हमारी 650 की, तो ये प्लस हो गया 240। ठीक है, अब पढ़िए आगे से क्या। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडिशनल बैंक बोरिंग नेसेसरी टू मेंटेन द कैश बैलेंस एट ऑल टाइम। 50,000 रुपए का बैलेंस रखना है। सो चलिए, क्लोजिंग बैलेंस हमें रखना है 50 का, क्वेश्चन में दे दिया है, और ओपनिंग कैश बैलेंस हमारे पास कितना था, 50 का था। तो जो 20 है ये हमारी एडिशनल वरिंग आई, ये 50 है, तो 50 ही रखने के लिए फिर मुझे ये बोरो करना पड़ेगा। ये 50 है तो ये हम 240 अपनी बोरिंग्स रिपे भी कर देंगे, समझ गए। चलिए अब इन्होंने क्या पूछा, ये तो आपका कैश बजट बना दिया हमने, अब इन्होंने कहा एक बैलेंस शीट बनाइए मार्च की, तो बैलेंस शीट मार्च की बनानी है, चलिए बनाते हैं। जो बैलेंस शीट आपको दे रखी है उसी से बनाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आप हर लाइन आइटम्स को कवर कर लेंगे। चलिए ये हमारी बैलेंस शीट है 31 दिसंबर की, तो हमें बनानी है 31 मार्च की। आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, एग्ज़ाम में आप एक ही बना के आइएगा। यहाँ पर थे अकाउंट पेबल कितने 360, बैंक लोन 400, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 212, लॉन्ग टर्म लोन 450, इक्विटी शेयर्स कितने थे 100, रिटेन्ड अर्निंग 1439। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2961। यहाँ पर देखें कैश बैलेंस था 50, अकाउंट रिसीवेबल ये थे हमारे 530 के, इन्वेंट्री 545 एंड फिक्स एसेट्स ये हमारी थी 1836। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो चेंज नहीं होना है उन्हें तो डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है जी, अब आपका है एक तो अकाउंट पेबल देखना है कि भाई वो अकाउंट पेबल क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग देखनी है और इन्वेंट्री देखनी है, सही है।
चलिए तो इसको हम समझते हैं। चलिए ये आ जाइए, आपकी जो सेल हुई है वो कितनी हुई है 600 और परचेज कितनी है, जनवरी फरवरी मार्च की बात कर रहे हैं, वी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेगमेंट। अब आपने फोकस करना है यहाँ पे, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सेल हुई है आपकी, परचेज है और खर्चे हैं, तो रिटेन अर्निंग निकालेंगे हम। चलिए जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है जी, जनवरी फरवरी मार्च में सेल हुई है हमारी, जनवरी में 600, फरवरी में 1000 और मार्च में 650, तो टोटल कितनी हुई है 2250 की। परचेजेज जो हमने की थी वो करी थी 600, 390 एंड 450 की, तो ये हमने की 1440 की। लेबर कॉस्ट थी हमारी कितनी 150, 200, 160, 510 की, और जो अदर एक्सपेंसेस थे वो थे हमारे 100, ठीक है जी, तो 300 के। ठीक है जी, चलिए इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री देखिए कितना है। हमारी इन्वेंट्री कितनी थी, हमारी इन्वेंट्री थी 545 की, ठीक है जी। सो परचेज हमने कितने की 1440 की, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है 2250 की सेल है, उसका 60% ही तो हमने कॉस्ट है, तो 2250 × 60 तो ये आता है हमारा 1350। इसका मतलब चेंज कितना हुआ 545 से, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो हमारा वो 90 का ही हुआ है, तो रिटेन अर्निंग आ जाएगी हमारी 1529 और इन्वेंट्री हो जाएगी हमारी 635, ठीक है जी। चलिए अब हमें एक निकालना है अकाउंट पेबल और एक निकालना है हमें रिसीवेबल्स। चलिए इसको भी देख लीजिए, अकाउंट रिसीवेबल कौन से होंगे हमारे, जो डेटर्स, देखिए डेटर्स में मार्च में जो 80% सेल है, क्योंकि 20% है ना, तो मार्च की 80% सेल रह गई है और फरवरी की सिर्फ 10% सेल रह गई है, जो रहना बाकी है। तो मार्च की 80% का मतलब हो गया है 650, 520 और फरवरी की 10, तो 620 के हमें डेटर चाहिए,
ठीक है जी। ऐसे ही अब हम क्रेडिटर के निकालें। क्रेडिटर हम पे कब करते हैं? क्रेडिटर हम पे करते हैं एक महीने बाद, तो जो मार्च के क्रेडिटर हैं वो ही हमें पे करने हैं, ठीक है जी। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल नहीं कहेंगे हम इसे, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। चलिए थोड़ा एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा अगर किसी पार्ट पे कंफ्यूजन हो तो। थैंक यू वेरी मच।